मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार, एजुकेशन स्कॉलर एंड मोटिवेशन स्पीकर एज वेल एज यू नो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेट में काम करने वाला आपकी ही तरह के कैंडिडेट। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत अच्छे टॉपिक पे, बहुत शानदार टॉपिक के साथ आपका मैं टाइम कंज्यूम करना चाहता हूँ। थोड़ा टाइम दूंगा मैं आपको, बट थोड़ा सा आपको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा। मेरे दोस्तों, मार्केटिंग दो तरीके की होती है, ट्रेडिशनल मार्केट होती है, नेटवर्क मार्केटिंग होती है। ट्रेडिशनल मार्केट क्या होती है? ट्रेडिशनल मार्केट हमारी वो मार्केट होती है जिसमें हमने बिजनेस लगाया, पैसा अपना स्टार्ट पॉइंट किया, अपने जो है टाइम कंज्यूम किया, अपना सेटअप स्टार्ट किया, और लगाने के बाद हम सब चीज़ों के बाद भी हमारे पास एक चीज़ मिल जाती है, होता है हमारा रिस्क, चले ना चले। यानी कि हमने स्टाफ भी लगाया, हमने अपना ज़मीन भी ली, ज़मीन अगर हमारी खुद की नहीं है तो रेंट पे लिया, पैसा हमारा खुद का नहीं है तो पैसा हमने इंटरेस्ट पे लिया, और इंटरेस्ट पे लेने के बाद ये सब चीज़ें हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं, तो रात और दिन हमारे माइंड के अंदर एक चीज़ को छोड़ती है, उसका नाम है हमारा रिस्क, जोखिम, चले ना चले। अगर चल गया तो ठीक ठाक, नहीं फिर चला तो हो सकता है कि जितना हमने लगाया उससे बहुत नीचे चले जाए, राइट। सेकेंड टॉपिक है मेरे फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? एज यू नो दैट नाम से डिफाइन हो रहा है, नेटवर्क मीन्स, नेट मीन्स जाल, वर्क मीन्स काम करना, एक जाल, एक सिस्टम के अंदर काम करना। एक जाल होता है जिसके अंदर उसकी लिमिटेशंस होती हैं, उसके तरीके होते हैं, ऐसा सिस्टम होता है कि अगर हमने उस सिस्टम से क्रॉस किया तो हम कामयाब नहीं होंगे, और उस सिस्टम में रहकर हमने काम किया तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो आज के टाइम में इस जो वर्किंग, जो फास्ट जो मार्क चल रहा है टाइम, इसमें अगर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है, बगैर कोई पैसा लगाए, तो मेरे हिसाब से, मेरे दोस्तों, एक नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन नहीं है जिसमें कोई इंसान अमीर बन सके। क्यों? फर्स्ट थिंग, ना तो हमें एजुकेशन की ज़रूरत होती है, सही, हमारे टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है, तीसरा हमें अपना खुद का मर्जी पर होते हैं, जब चाहे जब काम करेंगे, फोर्थ चीज़ सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी इकोनॉमिक फ्रीडम होती है हम लोगों की, सोशल स्टेटस बनता है हम लोगों का, चौथी पाँचवीं चीज़ क्या होता है कि हमारी जो एक टाइम फ्रीडम है, जॉब से जो हमें छुटकारा मिलता है, वो सब चीज़ें हम लोगों के अंदर अडॉप्ट होती है, वो सब चीज़ें हम एक समाज के अंदर, सोसाइटी में प्रोवाइड करते हैं। कि फर्स्ट थिंग, हमारा रिस्क कुछ नहीं है, चीज़ को समझा, सिस्टम को देखा, प्रोडक्ट एंड प्राइस को देखा, कंपनी का प्रोफाइल देखा, चीज़ें जो हमने ली, उन चीज़ों को आगे हमने शेयर किया, और शेयर करने के साथ साथ हमने उनका एक लीडरशिप की क्वालिटी उन लोगों के अंदर इनपुट कर डाली कि जैसे जैसे आप हमको देखोगे ऐसे ही आप लोग काम करेंगे, राइट। तो एक नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा एक समुद्र है जिसके अंदर हम जितना नीचे तक जाएं, जितना गहरा जाएं, लोगों की मेंटलिटी, उनका साइकोलॉजिकल सिस्टम, एक स्टेटस हमें पहचानने को मिलता है। अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग मिलते हैं हमें, अच्छे भी मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं, एक बहुत अमीर लोग मिलते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी को पैसा कमाना है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, चीज़ें आती हैं, टाइम टू टाइम आती हैं, वो एक हमारे अंदर फॉलो होता है। बट अगर कोई ये सोचने लग जाए कि मैंने काम स्टार्ट किया और एक साथ मुझे बहुत कुछ मिल जाए, तो ऐसा मेरे दोस्तों बिल्कुल इम्पॉसिबल, राइट। तो ये चीज़ उन लोगों के लिए नहीं है जो पेशेंस जिनके अंदर नहीं है, जो लोग इसको नहीं समझ सकते कि इसके अंदर सीखने को है। आप जितना ज़्यादा सीखते हैं उतना ही ज़्यादा आप लोगों के अंदर एजुकेशन सिस्टम आता है, आप लोगों को डील करने का तरीका सीखते हैं, डील करने का तरीका, आप लोगों को कन्विंस करने का तरीका सीखते हैं, समाज में आपका नाम होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे अंदर वो सब चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन हो जाती है। मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड हैं जो कि काफ़ी टाइम से वो जॉब कर रहे थे, लगभग 30 से 35 साल हो गया, तो कभी मेरी उनसे मुलाकात होती रहती थी, खुश रहने तो कहते थे कि हाँ सर, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन
10 से 15% जब उनकी प्रमोशन होती थी साल के एंड में, जब उनका लगता था उनका जो भी एक्स वाई जेड इनकम रहता था बहुत बड़ा धीरे धीरे, तो वो इस ऐसे ही खुश होते थे कि जैसे सपोज कीजिए कि उनको बहुत कुछ मिल गया, उनको 1500-2000 रुपये साल का बढ़ गया। लेकिन उन लोगों ने ये नहीं सोचा कभी भी कि हमारी जो टाइम बाउंडेशन है, हमारा जो साइकोलॉजिकल, हमारा जो मेंटली जो हमारा टॉर्चर और हमसे जो काम लिया जा रहा है वो हमारे एम्प्लॉयर को कितना आगे बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कि हमारा अपना खुद का नेटवर्क डेवलप होता है। अमीर लोग क्यों नहीं होते हैं, लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनको अपना नेटवर्क बनाना जानते हैं। और आज की दुनिया में किस इंसान का नेटवर्क नहीं है? चाय वाले का नेटवर्क है, दूध वाले का नेटवर्क है, अनाज बेचने वाले का नेटवर्क है, परचूने की दुकान वाले का नेटवर्क है, एम्प्लॉयर का नेटवर्क है, एक प्रोफेशनल एडवोकेट का नेटवर्क है, राइट, एक स्कूल्स, एक एजुकेशन जो संस्थाएं चल रही है उनका अपना खुद का नेटवर्क है। मीन्स इन सब चीज़ों से बढ़ के जो लोग आगे चले हैं उन्होंने अपना खुद का नेटवर्क बनाया, नेटवर्क पर ध्यान दिया, पैसे की तरफ ध्यान नहीं दिया कि जितने ज़्यादा लोग अपने अपने यूनिट्स, अपनी सारी चीज़ें जहाँ जहाँ से फायदा हो सकता है उन लोगों के साथ उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, काम किया, लोग जुड़े तो मैंने आइडियाज माइंड के अंदर इनपुट में उन आइडियाज़ को उन्होंने एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पैसा कमाने का तरीका सीखा। आज हम किसी ना किसी के नेटवर्क में हैं, आज हम मोबाइल रिचार्ज करने वाले के नेटवर्क में, आज हम दूध बेचने वाले के नेटवर्क में, दूध भी हमारे कहाँ से आता है, हम कपड़े बेचने वाले के नेटवर्क में कि वहाँ से अच्छा कपड़ा मिलता है, चलो वहाँ चलते हैं, उससे कपड़ा लिया। तो उन्होंने हमसे कितना साल के अंदर, 10 साल में 5 साल में कितना पैसा कमा लिया और हमें क्या मिला, ये आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि आपने अपनी एक इनकम का जो सोर्स है वो बहुत सारे लोगों को एक्सपेंस कर डाला, एक्सपेंस बदले में क्या मिला हमें, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कोई दुकानदार ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपये का सामान लेने के लिए जा रहे हो और वो कह दे कि बेटा 20 रुपये का सामान ले जा, फ्री में चॉकलेट ले जाए, बच्चों के लिए फ्रूट ले जा, अपने बच्चों को जाके पिलाना, क्यों पिलाएगा वो? तो आपने पैसा दिया, सामान दिया, 150 इतना ही मतलब होता है उसको। आपने पैसा दिया, उसने सामान दे दिया और उसके बाद फिर नेक्स्ट ये प्रोसेस जिंदगी भर चलता रहता, लास्ट में खड़ा हो जाता है कंज्यूमर, कस्टमर, उसको लगता है कि यार ये सब लोग इतने बड़े पैसे वाले क्यों हैं, क्योंकि लोग MBBS, उनके बच्चे MBBS करते हैं, लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे पैसा कमाया और उनका अपना खुद के नेटवर्क में आप आते हो। काम कमाए या ज़्यादा कमाए मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप बार बार उनके पास जा रहे हो अपने एक इनकम के पार्ट को लेकर के, और इनकम के पार्ट को आप लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को देखेगा, उससे कितना लेना है, उसको कितना देना है। अगर यही चीज़ अगर हमारे माइंड में आ जाए, मीन्स कि जो आज हमारा नेटवर्क है उसको हम अपना खुद स्टैब्लिश करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। सेकंड थिंग क्या आती है मेरे दोस्तों कि एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आदमी बैठा हुआ होता है, उसका नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क बनने पर 5000 अबव पीपल्स उसके सिस्टम में लोग काम कर रहे होते हैं। एक टाइम उसने दिया, दिन देखी नहीं, कभी उसने रात देखा नहीं, लोगों के साथ डिस्कस किया, किसी ने मना किया, किसी ने धमकाया, किसी ने सब कुछ पसंद, लेकिन उसने गलत काम तो नहीं किया, दूसरे लोगों को रोजगार दिया उसने कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, किसी ने उस पर विश्वास किया है, जिसने विश्वास किया है वो कुछ आगे बढ़ जाते हैं, जिसने विश्वास नहीं किया होता वो बैंकिंग नहीं थे, उनका बिलीफ सिस्टम डाउन हो जाता है। बिलीफ सिस्टम मीन्स कि हमारे एक विश्वास करने का ऐसा फैक्ट, इस ऐसा फैक्ट्स कि लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो आने वाले 6 महीने के बाद हमारा विज़न, अपने मिशन को कितना अचीव कर पाएंगे, ये उसका टाइम टू टाइम उसका डिफाइन होता रहता है। मेरे दोस्तों, ये नेटवर्क इंडस्ट्री में लोगों की भीड़ नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की भीड़ नहीं है। जो चाहते हैं कि मैं बैठ करके काम करूँ, मुझे आराम से पैसा है और वो फील्ड में जाकर काम ना करें, लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, नेटवर्क बनाना पड़ता है, चाहे एजुकेशन सिस्टम है, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज है, कुछ भी है, चाहे जा जाके दौड़ दौड़ के अपने टाइम यूटिलाइज कर करके रात और दिन वो लोग ना एक लोग बल्क में अपना इकट्ठा करता है लोगों को,
अपनी उनको सिस्टम में लेके आता है और उनको बताता है कि मैं काम कर रहा हूँ मेरे इस चीज प्रोडक्ट को सेल करने से, या मेरे साथ आप ऐसा मिलकर काम करेंगे तो बहुत कुछ होने वाला है। तो उनको विश्वास इसलिए नहीं हो पाता है कि ये उस स्टेज पे चल रहा है जहाँ इसको खुद वो चीज़ पता नहीं है, वो खुद जो अभी आज उसके पास है नहीं, और वो सपने देख रहा है। अचंभा यहाँ होता है कि सामने वाले को कि ये खुद अपने उस काम को ड्रीम्स का जो सपना दिखा रहा है वो आज तो उस पर खड़ा है नहीं, खुद पैदल चल रहा है, खुद साइकिल पर चल रहा है, खुद बाइक पर चल रहा है, खुद स्कूटर पर चल रहा है, हमको बड़ी गाड़ी के सपने दिखा रहा है। कई बार दोस्तों होता है ऐसा, दो साल बाद में, तीन साल बाद में, पाँच साल बाद में कोई ना कोई आपके साथ एक काम करने वाले लोग ऐसे जुड़ते हैं जो आपके आइडियाज के बिलीव करते हैं। एक नहीं करेगा, दो नहीं करेगा, दूसरों को बताएंगे ना, इसमें से तीन या चार लोग आपको समझेंगे, हाँ यार ये भाग रहा है, इसके अंदर जुड़ो करा, इसके अंदर एक विल पावर है, ये कुछ कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही काम करें, ये तो एक बहुत बड़ा समुद्र हो गया, लेकिन मैं ट्रेडिशनल वे की तरफ भी जाता हूँ, अब वहाँ भी कामयाब नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल में ठीक है वहाँ भी मेहनत है, मेहनत यहाँ भी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की जो इम्पोर्टेंस है सबसे बड़ी ये है कि आपने मेहनत की और आपकी आने वाली जनरेशन को पैसा मिलता है। लेकिन ट्रेडिशनल में क्या है कि आज हम काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा नेटवर्क हम तक ही सीमित है, हम उसको दूसरे को प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि एक नेटवर्क इज ए बिजनेस, नेटवर्क इज ए बिजनेस एंड बिजनेस इज ए नेटवर्क, बिना बिजनेस के नेटवर्क आप सक्सेसफुल नहीं हो सकता और नेटवर्क बिना बिजनेस के नहीं चल सकता, ये दोनों अपने एक दूसरे कंप्लीमेंट्री है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि एक जो जॉब वाला होता है और जो बिजनेस मैन होता है, उनमें आपस में अगर हम कंपैरिजन देखा जाए तो जॉब वाले का कभी भी जिंदगी में नेटवर्क नहीं बन सकता, ही कैन नेवर ग्रो एंड स्टार्ट ए नेटवर्क दैट्स ही कैन इमेजाइन और कैन टेक द ड्रीम्स व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ देयर टाइप, उनके टाइप का क्या फ्यूचर बने, नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये लाना होगा कि हम बिजनेस करें, एडिशनल करें, नेटवर्क मार्केटिंग करें। तो मैं ये आपको प्रेफर करना चाहूँगा कि आज का जो टाइम है, आज का जो वे ऑफ ट्रेंड है जबरदस्त नेटवर्क मार्केटिंग का है, राइट। रशिया, चीन, जापान, अमेरिका, ये आज हम लोग इनसे क्यों आगे हैं? मैं चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर हम अपने स्टूडेंट से बात करें, 18 ईयर्स का स्टूडेंट्स है या 20 ईयर्स या कॉलेज बॉय स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी अपने पेरेंट्स से पहचान देता है और ये 35 की उम्र तक आने के बाद भी हम उसको जॉब सर्च कर रहे होते हैं, उनको आइडियाज़ दिए जाते हैं, उनको पेरेंट्स को समझाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ये चीज़ अगर आप करोगे अभी से ही तो हमारा नेटवर्क डेवलप होगा। इवन एक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक खुद एक मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस लीडर है और उसका अपना खुद का आइसलैंड है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो बता सकता हूँ कि अमेरिका, चीन, जापान वैसे जो हम लोगों से इसी वजह से वो हमसे आगे हैं, और कोई आगे नहीं है, उनको और कोई आइडिया नहीं है उनके पास, सिर्फ इसी में वो आगे हैं। हम जब तक सोचते हैं कि ऐसा किया जाए तब तक वो बहुत कुछ आगे सोच जाते हैं, इसीलिए 50 ईयर्स या 40 ईयर्स हम लोग उनके आइडियाज से पीछे हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर जो आज काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज आज विदेशी कंपनीज को बीट कर रही है, कंपीट कर रही है इस मैटर के अंदर कि कहीं ना कहीं हम अपने युवाओं को, अपने यूथ को, एक स्टूडेंट्स को एक मार्केटिंग की तरफ लेके जाए, नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ, जो कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी UGC इस सिलेबस को एस्टैब्लिश करने जा रही है कि जो भी इंसान, जो भी स्टूडेंट्स उसको पढ़ेगा उसके लिए कंपलसरी होगा नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, तो तभी कर पाएगा जब उसके सिलेबस में वो सब चीज़ें पढ़ चुका होगा। तो और आज की डेट में ये इंडस्ट्री हमारी 22,000 करोड़ की है, इसलिए चल रही है और आने वाले 5 साल में अगर एक्सपेक्ट किया जाए आज के हालात को देखते हुए तो 65,000 CR का ये इंडस्ट्री एक इस बिजनेस में बूम करेगी। तो मेरे दोस्तों काम कीजिए, आप जॉब भी कीजिए या बिजनेस भी कीजिए, व्हाटएवर जो भी कीजिए, बट अपना नेटवर्क खुद बनाइए कि आप सोचिए कि हम नेटवर्क किस लेवल, किस फील्ड में बना सकते हैं।
मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ किसी के भी वर्क को, मैं सॉरी बोलना चाहूँगा मेरे फ्रेंड्स, मैं जॉब को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, जिससे पैसा नहीं आता, बिजनेस से पैसा नहीं आता, सब लोग काम कर रहे हैं, काम हम करना चाहिए, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस को भी समझे तो एक हमारे माइंड में आता है कि हाँ यार बहुत कुछ है इसमें, लोग आगे बढ़ रहे हैं तो देखा देखिए हम भी चले। थर्ड थिंग क्या आती है इसके अंदर, मैं बोला था लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी वहाँ की लीडरशिप क्वालिटी, एक समाज को लीड करना, अपनी टीम को लीड करना, एक कैंडिडेट को यू नो एक स्पोक्समैन, एक स्पीकर बनता है, उसको बोलने का तरीका आता है, सामने वाले लोग 10-50 बैठे हुए हैं, कैसे बोला जाना है, किस तरीके से रहना है, उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ यू नो वे ऑफ स्टैंड, वे ऑफ यू नो पर्सनैलिटी, वे ऑफ वियरिंग एंड यू नो बहुत सारी चीज़ें जब वो लोगों से सीखता है और सिखाता है तो वो आगे बढ़ जाता है। तो ये मार्केटिंग नॉट ओनली ट्रैक द ऑन द मनी, नॉट टीच टू यू हाउ टू अर्न द मनी, बट यू टीच दैट ऑफ हाउ टू लिव द सोसाइटी राइट इन द वे करेक्टर वे, इन द वे योर स्टैंडर्ड्स, योर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका सिस्टम है कि कैसे कैसे हम लोगों को डेवलप करें। तो मेरा मानना है कि ये इंडस्ट्री आज आने वाले टाइम में आने वाली जनरेशंस के लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल चीज़ होगी, बशर्ते कि पेरेंट्स, बशर्ते कि हमारा सिस्टम, बशर्ते कि हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इस चीज़ पे ध्यान दें, उनको बोलना सिखाएं, बातचीत करना सिखाएं, उनको लोगों के साथ प्रैक्टिकल वे में कैसे डिस्कशन करना है। तो जैसे वो चीज़ें वो सीखता रहेगा वैसे ही उसका अपना यू नो एक आने वाले टाइम में उसका इफेक्ट्स, एक गोल्ड, एक यू नो कह सकते हैं हम दूसरे शब्दों में कि आने वाला स्टैंडर्ड, एक गोल्ड स्टैंडर्ड अपने ग्रूमिंग वे पे पहुँच के उन सब चीज़ों को हासिल कर सकता है। तो चौथी चीज़ क्या है इसमें कि यू नो ये एक जनरेशन वाइज इनकम, ये जनरेशन वाइज इनकम कैसे है मेरे दोस्तों कि आज आप स्पोर्ट्स को इस दुनिया में नहीं है लेकिन आपका नेटवर्क है, आप नॉमिनेट भरते हैं, नॉमिनेट का फॉर्म भरते हैं, साथ साथ जब हम कोई भी काम करते हैं जो बैंक भरवाता है हमसे नॉमिनेशन का फॉर्म कि आपके इस पैसे का मालिक कौन होगा आपके जाने के बाद इस दुनिया से, तो ऐसे ही नेटवर्क इंडस्ट्री में होता है, नॉमिनेशन नॉमिनेट किया जाता है कि आप किसको नॉमिनेट करेंगे अपने बिजनेस को। तो जब वो चला जाता है तो उसकी पेरेंट्स, उसके चिल्ड्रन, उसकी वाइफ उस बिजनेस का यू नो एक मालिक बन जाता है, उसको इनकम आती है, वो नहीं रहते, कहने का मतलब चार पीढ़ियों तक पैसा आता है, चार पीढ़ियों का, वो भी एक बिना कुछ किए, पेड़ लगाया उन्होंने, फल दिया उन्होंने, देखने की उन्होंने माली से बचाया उन्होंने 30 साल 20 साल 10 साल, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ उस पेड़ की आमों को खा रही है और वो पेड़ साल साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल कब तक रहेगा, जब तक वो रहेगा पेड़ की पीढ़ी निकल जाती है तो फूल हो जाता है, वो फल देना रहता है, जैसे कि होता है ना पेड़ जो कि हम खेती करते हैं तो हमें जल्दी इनकम चाहिए, हर 6 महीना में धान लगा दीजिए, गेहूँ बो दीजिए, तो फसल अक्टूबर उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 या 4 महीने या 5 महीने लगे, लेकिन अगर हमने एक एकड़ जमीन के अंदर हमने 10 आम के पेड़ लगा दिए तो ऐसा तो है नहीं एक या दो साल में वो आम हमें पेड़ में आम देगा, ऐसा नहीं है, उसके खाद डाला जाएगा, उसकी देख रेख की जाएगी, उसमें पानी डाला जाएगा राइट, उसको टाइम टाइम उसका उसको क्या क्या चीज़ की जरूरत है और पशुओं से उसको बचाया जाएगा, फिर वो 2 साल में 3 साल में कुछ बड़ा होता है तो कुछ और बड़ा होता है, 5-4 साल बाद फिर आपको देखेंगे तो वो पेड़ इतना बन चुका होता है कि अगर कोई पेटल्स, कोई हार्मफुल एनिमल्स या कोई लोग उसको काटना भी चाहे तो भी वो नहीं कर सकता है, 5 साल बाद जो फ्रूट देता है, चाहे वो जिसने उसको पाला है जो माली है वो भले उस दुनिया में नहीं है लेकिन आने वाली जनरेशन उस आम को खाने का जिंदगी बना रहे। मेरे दोस्तों इन आई वुड लाइक टू से दैट यू नो दिस बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंस फॉर योर जनरेशन एंड यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू टीच एंड ऑल थिंग्स इज आई नो ऑन वीडियो यूट्यूब बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, तो मेरा ही सब कुछ नहीं है, मैंने भी आप लोगों से सीखता हूँ, हम लोगों के पास बैठता हूँ कि मुझे कुछ सीखने को मिलता है,
उनको फॉलो करता हूँ, और जिंदगी भर एक कैंडिडेट्स एक बच्चा ही बना रहता है, सीखता ही रहता है इंसान, राइट। तो कुछ मेरे से मैंने आप लोग बातचीत करने के दौरान कुछ गलत मुझसे निकल गया, कुछ चीज़ किसी को सोचते हैं, मैं सॉरी चाहूँगा मेरे दोस्तों, और मेरे टॉपिक का लोग पसंद आया तो ज़रूर, तो थोड़ा सा इसको आगे भी लोगों को मैसेज कीजिए, समझाइए, बताइए कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ें सीखनी है, कैसे सिखानी है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जितना सीखते हैं उतना ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीखने से पैसा आता है, सिखाने से पैसा आता है, और सीखने सिखाने में कुछ ज़्यादा नहीं है तो पैसा हमारे पास बहुत अनलिमिटेड वे से आता है। एक बार मेहनत कर लीजिए किसी बिजनेस में, ट्रेडिशनल हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, किसी भी हो, आप जरूर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे मेरे दोस्त। If you are coming on a first time my channel, please subscribe and my channel and press bell icon for the latest updates. Thanks for watching this video.